Today we start first unit of the class 12th, matrices and determinant. This chapter have 12 marks and this is easy chapter as compared to the other chapters. So first of all मैं आपको इसकी कुछ definition करवा रहा हूँ, ठीक है? फिर आपको मैं इसके 10 या 20 question दूँगा daily, अपने register maintain करना है. और मेरे से डाउट लेनी हो तो शाम को 5 to 7 के बीच में आप फ़ोन पे डाउट दे सकते हो. थोड़े दिन बाद मैं आपकी लाइव क्लासों का भी अरेंजमेंट कर दूँगा, ठीक है? तो मैं कुछ डेफिनेशन करा रहा हूँ. फर्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स. क्या होती क्या है मैट्रिक्स? यदि आप कुछ एक नंबर को ले लो और उनको रो और कॉलम में अरेंज कर दो तो ये मैट्रिक्स बनेगी. व्हेन सम नंबर आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम देन दिस फॉर्म मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स A matrix is rectangular arrangement of numbers or function. फंक्शन या नंबर्स को ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हो. ये मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन इन रोज एंड कॉलम्स अंडर सर्टेन रूल. मैट्रिक्स is denoted by capital letters like capital A, B, C, etc. For example, if there are two families X and Y, they are 3 persons. लाइक यू ले लो, जैसे आपकी फैमिली है, आपके कज़न की फैमिली है, तो ये आपकी इनकम, ये आपकी फैमिली एक्स है और ये आपका कज़न है, तो ये आपकी इनकम है मान लो पर मंथ 20,000. ये आपकी वाइफ की इनकम है 25,000. ये आपके लड़के की इनकम है 17,000. ये आपके कज़न ब्रदर है, उसकी इनकम है मान लो 23,000, 27,000, 19,000. तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है ये किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रही हैं. मतलब वेट हो सकता है कुछ बच्चों का, हाइट हो सकती है, इनकम है, मार्क्स हो सकते हैं. तो ये एक तरह का अरेंजमेंट है. तो इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल लेटर से. जिसके अंदर रोज हैं वो 2 हैं, जो कॉलम्स हैं उसके अंदर 3 हैं. तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास यहाँ, ये यहाँ पे रोज के लिए होता है और जो सेकंड नंबर है यहाँ पे, ये हमारे पास ये कॉलम्स के लिए. ये जो पूरा आप 2×3 यूज़ करते हो इसका नाम होता है ऑर्डर, और आप इसको बोल सकते हो टाइप. ये टाइप होती है. तो मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप है. अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, कुछ नंबर लिख दो आप, कुछ भी लिख सकते हो. ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने,
in rows and column under certain rule. मैट्रिक्स जनरेटेड बाई कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी. हाँ, अब इसका प्लूरल लोगे तो मैट्रिसेस होता है. तो जो ये टू क्रॉस थ्री, ये टू क्रॉस थ्री में ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं है. यदि मल्टीप्लाई करें तो टू क्रॉस थ्री सिक्स होता है. तो आप एलिमेंट्स काउंट करोगे तो इसके अंदर सिक्स ही है, वैसे मल्टीप्लीकेशन नहीं है. तो मेनली ये जो मैट्रिक्स होता है इसका अरे यूज़ हमारे मैथमेटिक्स में कम, आगे बड़ी क्लास में जाके फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है. फिजिक्स में आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके अंदर इसका यूज़ होता है. और सबसे पहले जो इसके बारे में बताया गया था, ये उसने बताया था कैली अर्थर था, साइंटिस्ट था कैली अर्थर, तो इसने इसके बारे में बताया था. तो हम जनरली यदि कोई मैट्रिक्स हमको लेनी है, जनरली एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज रिटन एज, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन हो तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे. इसके अंदर अब एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, तो ये एम क्रॉस एन, यहाँ डाल दूंगा मैं एम इंटू एन, यहाँ आएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, द लास्ट नंबर इज ए वन एन. फिर आएगा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, लास्ट नंबर इज ए टू एन. तो ऑर्डर इज एम क्रॉस एन, तो लास्ट जो हमारे पास रो आएगी सबसे लास्ट रो, तो क्या आएगी ए एम वन, ए एम टू, ए एम थ्री, तो यह लास्ट नंबर आएगा ए एम एन आएगा. तो आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते, तो आप इसको ऐसे सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आई जे एम क्रॉस एन. फिर आई इज डिनोट नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम, तो वेयर वेयर आई ग्रेटर देन वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू एम, एंड जे इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू एन. तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स क्या होती है. Now second definition is square matrix क्या होता है. When number of rows equal to number of columns, that is m equal to n. Yeah. Now square matrix is जैसे मैंने आपके पास मान लो मुझे थ्री क्रॉस थ्री की स्केयर मैट्रिक्स लेनी है, तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूँगा थ्री क्रॉस थ्री में, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, वन ए थ्री टू, ए थ्री थ्री. ये ऑर्डर हो गया आपके पास थ्री क्रॉस थ्री. तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, दिस लाइन इज कॉल्ड. इस जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर आप एक चीज नोट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आई इज इक्वल टू जे है, इसके जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं, फिर आई लेस देन जे है, जो नीचे के एलिमेंट्स हैं आई ग्रेटर देन जे. तो दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल. डायगोनल हेयर जो एलिमेंट्स हैं ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स.
तो इन एलिमेंट्स पे आप देख सकते हैं आपको आई इज इक्वल टू जे के इक्वल है। अब मान लो इसके इनिशियल एलिमेंट देता हूँ a21, a32 या a12, a13, a23। इन एलिमेंट्स में आई ग्रेटर देन जे है, इनमें आई लेस देन जे है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जे मेरा। तो सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन डायगनल एलिमेंट्स, तो दे आर कॉल्ड नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो जैसे प्रिंसिपल डायगनल आपको ऐसे नहीं लेना, प्रिंसिपल डायगनल आपने ऐसे लेना लेफ्ट टू राइट। तो दीज आर कॉल्ड नॉन डायगनल, दीज आर कॉल्ड डायगनल एलिमेंट्स। नंबर थर्ड इज रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसका दूसरा नाम है रो वेक्टर। क्या होता वन नंबर ऑफ रोज केल बनो, दैट इज एम इज इक्वल टू वन हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स कब, इफ इफ एम इज इक्वल टू वन है। हम इसको रो वैक्टर इसलिए बोलते हैं, वैसे इसका मीनिंग कुछ वैक्टर से होता नहीं है, लेकिन आपको यदि समय कंपेयर करना हो तो बस थोड़ा सा कंपेरिजन कर सकते हैं आप। ये लो जैसे मान लो इसके अंदर रो मैंने एक बताया आपको, जैसे 7 है 4 है 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास 1 क्रॉस 3, ये जैसे हमारा 1 क्रॉस 3 है। तो इसको हम वैक्टर इसलिए बोलते हैं कि जैसे आप फिजिक्स में करते हो कि किसी वेक्टर को लेना हो तो आप लिखते हो ना ए आई बी जे सी के, ये होता है। तो यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 7i 4j और 3k, ये वेक्टर बनेगा। एंड नंबर फोर्थ इज कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, इसको ये भी कह सकते हो कॉलम वेक्टर। सेम डेफिनेशन है जैसे ऊपर वाली थी, सिर्फ हेयर यहाँ पे n इज इक्वल टू वन हो, दैट इज जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो वन के ही कॉलम। तो ये लो रिप्रेजेंटेशन है, ये लो 4 7 8, ये तेरे ऑर्डर कितना 3 क्रॉस 1 है। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एंड नंबर फिफ्थ है आपके पास डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्केयर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगनल पर एलिमेंट हो, बाकी एलिमेंट होने नहीं चाहिए उसके अंदर, हो तो वो जीरो, जैसे 7 4 9 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर है जैसे 3 क्रॉस 3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी आई एच 7 4 9। मतलब हमें प्रिंसिपल डायगनल जो है ना बेटा वहाँ पे एलिमेंट चाहिए, उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट सारे के सारे में जीरो चाहिए। यहाँ भी कोई जीरो होने को हो सकता है, ये लो मतलब मैंने मैट्रिक्स भी लिख दी, अभी किसी एलिमेंट को जीरो ले तो जीरो भी ले सकते हो आप, ये लो 3 0 0 0 7 0 0 0 0। अब भी आप इसका नाम डायगनल मैट्रिक्स ही लोगे, अब भी ये डायगनल मैट्रिक्स ही है, ये लो 3 7 0।
हाँ जनरली आप डायगनल मैट्रिक्स को ही बनाओगे, जनरली आपने कोई भी डायगनल मैट्रिक्स लेनी, जनरली एनी एन क्रॉस एन ऑर्डर डायगनल मैट्रिक्स इज गिवन एज यस ए जैसे डी वन जीरो 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 यहाँ पर डी टू लास्ट नंबर जीरो 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 डी थ्री जीरो लास्ट जीरो 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 डी एन। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं डी आई ए जी, यहाँ डाल दो आप डी वन डी टू डी थ्री डी एन, ये भी डाल सकते हैं एन क्रॉस एन एन क्रॉस एन। तो डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैव वैल्यू जीरो एंड डायगनल कंटेन एट लीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट। कि मैं इसको आपको डायगनल मैट्रिक्स के एग्जांपल दे रहा हूँ, और यह मैट्रिक्स को स्केल लेना जरूरी है। एक डेफिनेशन और लिखूंगा सर बस। नंबर सिक्स है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब यदि डायगनल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगनल पर लेने हैं ना, उसको आप बस सिर्फ सेम ले लो और कुछ नहीं करना आपको। जैसे सेवन 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 जीरो 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 ये आ गया थ्री क्रॉस थ्री। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज डी आई ए जी सेवन कॉमा सेवन कॉमा सेवन। तो डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स मीन्स स्केयर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो और अबो द प्रिंसिपल डायगनल आर डायगनल आर जीरो एंड प्रिंसिपल डायगनल हैव सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो क्या होना चाहिए। तो ये मैंने डायगनल मैट्रिक्स स्केलर का एग्जांपल दिया है। नंबर सात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी कहलाएगी, या इसका दूसरा नाम और भी है यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि जो प्रिंसिपल डायगनल है ना, वहाँ जो एलिमेंट्स लेने हैं वो वन वन लेने हैं, वन वन वन। सर इरेज कैसे करना होता है? जैसे आपने एलिमेंट लेने हैं तो वन वन
1 0 0 0 0 0 0, इसको नाम लेते हो I3। दिस इज क्या 3x3 मैट्रिक्स I3। ऐसे आपके पास होता है I2, यहाँ आपके पास कितना आएगा 1 0 0 1 आएगा, ऐसे आएगा I1 खाली 1, ये लो गया। ऐसे आपने I4 लेना हो, I4 यानी कि 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, आएगा आपके पास 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास I4 है, 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो डेफिनेशन क्या बनी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैव वैल्यू 0 एंड डायगोनल कंटेन 1 1 1। इन सिंबल्स आप इसको भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू ए आई इज एम क्रॉस एम वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। लिख सकते I equal to J means diagonal elements are 1 and the non-diagonal elements are 0. This is called identity or the unit matrix here. So identity matrix is also scalar and the diagonal, but scalar and the diagonal are not identity. Sir, इस पर मुझे इस पे डाल के दे दो फिर एक बार।